नंबर 16, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जौनपुर प्रेस क्लब की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता क्लब के अध्यक्ष कपिल देव मौर्या ने की। बैठक में पत्रकारों ने पत्रकारों की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। क्लब के सभी पदाधिकारी और सदस्यों ने एक साथ मिलकर पत्रकार अर्णब गोस्वामी के ऊपर जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है उसकी घोर निंदा की। साथ ही जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को एक संबोधन भेजा गया। कपिल देव मौर्या ने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार अपने सत्ता का दुरुपयोग करके पुलिस के बल पर भारत देश के स्वतंत्र स्तंभ को गिराना चाहती है, ये एक बदले की भावना को दिखाता है। इस तरह से प्रेस की आजादी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा हम और हमारा संगठन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रेस को स्वतंत्र रूप से अपना काम करने दिया जाए। अगर महाराष्ट्र सरकार को किसी भी समाचार या किसी भी चैनल से कोई दिक्कत हो रही है तो उनको इसके लिए संविधान के अनुसार कार्यवाही करने का अधिकार है। आज हमारा पूरा संगठन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक साथ इसकी घोर आलोचना करता है। जौनपुर से संवाददाता कमलेश मौर्य की रिपोर्ट। ताकि भविष्य में पूरे देश में कहीं भी पत्रकारों का उत्पीड़न या इस तरह से पत्रकारों को फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने का कुत्सित खेल न किया जाए। सर, ये बताइए कि आप लोग अपने मापक पत्र के द्वारा जो संबोधन किए हुए हैं, तो इसके जरिए आप देश के और पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम देश के पत्रकारों से कहेंगे कि एक हो और उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के खिलाफ एकता के साथ मजबूती से उत्पीड़न करने वालों से लड़ें, ताकि कोई साहस न कर सके कि किसी भी पत्रकार का कहीं भी उत्पीड़न हो सके। अच्छा सर, एक अंतिम क्वेश्चन आपसे है कि देखा जा रहा है इस समय जो पत्रकारों के खिलाफ देश में इमरजेंसी जैसे माहौल आ रहा है, लेकिन कुछ देश में ही अपने तमाम ऐसे बड़े न्यूज संगठन है, न्यूज चैनल संगठन है, जो इस पर चुप्पी साधे हुए, उसके बारे में आपकी क्या? चुप्पी नहीं साधना चाहिए, पत्रकार को एक होना पड़ेगा। आज जो चुप्पी साधे हुए हैं उन्हीं की वजह है से उत्पीड़नकर्ता लोग एक दूसरे का उत्पीड़न करते रहते हैं, हम एक दूसरे का मुंह देखते हैं, यह हमको नहीं देखना चाहिए। पत्रकार कोई भी हो, किसी भी चैनल या अखबार का हो, किसी भी संगठन या ग्रुप का हो, पत्रकार पत्रकार होता है, उसका काम है कलमकारी करना, उसका काम है खबर चलाना, उसका काम है जनता के हितों की लड़ाई लड़ना। अगर पत्रकार ऐसा कर रहा है तो उसके साथ सभी पत्रकारों को खड़ा होना चाहिए। जी उपाध्यक्ष जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय जिन पुलिस वालों ने अर्णब गोस्वामी जी को गिरफ्तार किया, सोशल मीडिया पे उन्हें हीरो बनाया जा रहा है, और अर्णब गोस्वामी के इस मैटर पे कोई भी क्लियर बात नहीं कर पा रहा है अधिकारियों द्वारा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो है पत्रकार वर्ग को सियासी शिकंजे से नहीं देखना चाहिए, और सियासी शिकंजे के शिकार हुए हैं अर्णब गोस्वामी जी। वहाँ की सरकार एक तरफा एक कार्य कर रही है और बौखला करके, क्योंकि उनके जो कारनामे थे, जो उनके गलत कृत्य थे, उसको अर्णब गोस्वामी जी जो है उजागर कर रहे थे। और पत्रकारों का ये नैतिक दायित्व है कि हम समाज के सामने सही बात रखें, और समाज के सामने सही बात रखने का ही। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.